जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। अरे साहब चौंकिए मत, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ के बारे में महाराणा प्रताप सेना नाम की एक संगठन ने दावा किया है कि दरअसल ये दरगाह जो है वो एक शिवालय पर बनी है, और अपने दावे के तौर पर उन्होंने एक तस्वीर पेश की है अजमेर शरीफ की, जहां उनका दावा है कि देखिए साहब ये स्वस्तिक के निशान हैं जो हिंदू धर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं, लिहाजा जो अजमेर शरीफ दरगाह है वो शिवालय को तोड़कर उस पर बनी है। मुझे 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान याद आ गया कि जहां देखो वहां खुदा है। सुनिए, हमारा तो उत्तर प्रदेश ऐसा है, यहां भी खुदा वहां भी खुदा, यहां भी खुदा उधर भी खुदा, जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान 2017 में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में दिया था कि भाई आप जहां देखो वहां खुदाई हो रही है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी खामोशी और अदालत के दोहरे रवैये के चलते आज की तारीख में विश्व हिंदू परिषद अपने 40,000 मस्जिदों की सूची जो है वो सामने ला रही है और ये दावा कर रही है कि ये तमाम जो मस्जिद हैं, ये तमाम धार्मिक स्थल हैं, वो मंदिरों के ऊपर बनाए गए थे। आपके सामने अजमेर शरीफ, जी हां अजमेर शरीफ में अब ये दावा किया जा रहा है कि ये एक शिवालय पर बना था। 850 साल पुराना अजमेर शरीफ का दरगाह। अब क्या कहते हैं वहां के खादिम, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। खादिम समिति अंजुमन सैयद जादगान के अध्यक्ष मोइन चिश्ती ने कहा कि यह दावा निराधार है क्योंकि दरगाह में इस तरह के चिन्ह नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों समाज हिंदू और मुस्लिम के करोड़ों लोग दरगाह में आते हैं। आगे वो क्या कहते हैं आपके स्क्रीन्स पर, उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि दरगाह में कहीं पर भी स्वास्तिक चिन्ह नहीं है। दरगाह 850 सालों से है, इस तरह का कोई प्रश्न आज तक उठा ही नहीं। आज देश में एक विशेष तरह का माहौल है जो पहले कभी नहीं था। उन्होंने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सवाल उठाने का मतलब उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है जो अपने अपने धर्म को मानने वाले हैं और यहां आते हैं। चिश्ती ने कहा कि ऐसे सभी तत्वों को जवाब देना सरकार का काम है। कमेटी के सचिव वाहिद हुसैन चिश्ती ने कहा कि यह सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में अगले साल चुनाव है। अब ये जो महाराणा प्रताप सेना है वो अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री गहलोत के पास जाएंगे। फिर मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो हैं इस पर बवाल करेंगे। मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अजमेर शरीफ की दरगाह के सामने कुछ लोग प्रदर्शन करने भी पहुंच जाएं। फिर यह भी बताया जा रहा है कि इस मुद्दे को हम केंद्र सरकार तक उठाने वाले हैं। एक एक करके, चाहे अजमेर शरीफ हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे कुतुब मीनार हो, उन सबको विवादों के घेरे में लाना। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं। प्रधानमंत्री एक ही जगह बोलते हैं जब उन्हें अपने मन की बात करनी होती है। जी हां, प्रधानमंत्री की हाव भाव में सहजता खुशी हम तभी देखते हैं जब वो विदेश यात्रा में होते हैं और जब उनका प्रचार तंत्र इस तस्वीर के बारे में प्रोपेगेंडा करता है कि देखो दुनिया के 4 ताकतवर मुल्कों के विश्व गुरु बन गए हैं मोदी जी। क्यों? क्योंकि वो जो बाइडेन से आगे सीढ़ियों में आगे चल रहे हैं। तभी प्रधानमंत्री के चेहरे पर चमक आती है जब वो कैमरे को देखते हैं। मगर जिन मुद्दों के जरिए समाज के अंदर, देश के अंदर माहौल को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश होते हैं। मैं आपको अब बताने वाला हूं दोस्तों कि किस तरह से मोदी सरकार के मंत्री कई जगहों पर असमंजस पैदा करते हैं। आपकी स्क्रीन पर जस्टिस चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के जज और संभवतः देश के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि जब मामला उनके सामने आया, ज्ञान व्यापी से जुड़ा हुआ मामला, और जब मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जज साहब
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 1947 से पहले जो मंदिर है वो मंदिर बना रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद बना रहेगा, राम मंदिर को छोड़कर। 1991 में यह मामला सामने आया था। यही नहीं, 2019 में जब राम मंदिर के पक्ष में 5 जजों की खंडपीठ ने फैसला सुनाया था, तो उस वक्त भी उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा था कि देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे, देश के सेक्युलर ताने बाने को सहेजने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है। यानी खुद एक नहीं, दो नहीं, 5-5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल थे, उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तारीफ की थी। मगर जब ज्ञानव्यापी मामले को लेकर यह मुद्दा जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने आया, तब आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि देखिए, जब हम एक ऐतिहासिक स्थल के धार्मिक चरित्र या उसके रिलीजियस कैरेक्टर का फैसला कर रहे होते हैं, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आड़े नहीं आ सकता। यानी कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने दिया था, उससे ही पलट गए खुद जज चंद्रचूड़। मैं एक सीधा सवाल करना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट पे क्यों सवाल उठा रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं उठा रहा हूं। मैं जस्टिस चंद्रचूड़, जिनकी मैं दिल से बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आपके सामने नजीर है, आपके सामने मिसाल है, और वो मिसाल बहुत साफ है। वो मिसाल है 2019 पर राम मंदिर पर जब फैसला आया था, उसमें माननीय जजों ने क्या कहा था। अब कल्पना कीजिए, अगर जस्टिस चंद्रचूड़ ने ज्ञानव्यापी मामले में कह दिया होता कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक नजीर है, हम उसे चुनौती नहीं दे सकते, बस मामला यहां खत्म होता है। मैं ज्ञानव्यापी मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, उस पर चलिए फैसला आने दीजिए। वो मामला अब चल रहा है बनारस की जिला अदालत में, फव्वारा है, शिवलिंग है, उसका फैसला होने दीजिए। मैं कुछ और कह रहा हूं। अब होने क्या वाला है दोस्तों, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आड़े नहीं आएगा जब हम एक जगह के धार्मिक चरित्र या धार्मिक स्वभाव का फैसला कर रहे होते हैं, तो होने क्या वाला है, इसी तरह से हर मस्जिद के बारे में लोग आते रहेंगे, कोर्ट्स में आते रहेंगे और जस्टिस चंद्रचूड़ के इस बयान का हवाला देंगे। नतीजा क्या होगा कि असल मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय देश वही मंदिर मस्जिद में उलझ कर रह जाएगा। अब कुतुब मीनार की बात करते हैं दोस्तों। कुतुब मीनार में हिंदू पक्ष पूजा करना चाहता है। उनका यह भी दावा है कि भाई कुतुब मीनार जो है वो 27 जैन और हिंदुओं को तोड़कर बनाया गया था मंदिर को। जबकि एएसआई ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। एएसआई का कहना है कि कुतुब मीनार एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, एक संरक्षित मॉन्यूमेंट है, यहां पर पूजा अर्चना नहीं हो सकती। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यहां पूजा अर्चना नहीं हो सकती। मगर गौर कीजिएगा दोस्तों, मोदी सरकार के मंत्री किस तरह की गलत बयानी और भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है प्रहलाद पटेल, एक इंटरव्यू में यह दावा कर रहे हैं कि भाई कुतुब मीनार जो है वो 27 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है, जबकि हकीकत यह नहीं है। वो कह रहे हैं कि खुद वहां पर लिखा हुआ है कि यह जो है 27 मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है। दरअसल कुतुब मीनार नहीं बनाया गया था 27 मंदिरों को तोड़ के। वहां जो एक मस्जिद है जिसका नाम है कुवतुल इस्लाम, उसके बारे में कहा जाता है कि 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर वो मस्जिद बनाई गई थी। कुतुब मीनार के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। अब आप सुनिए मोदी सरकार के मंत्री किस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं कुतुब मीनार के बारे में, सुनिए उनकी बात। वहां पर फारसी में लिखा हुआ है कि ये 27 मंदिर तोड़कर बनाया, और ये एएसआई ने या किसी भारत सरकार ने नहीं लिखा, जिनने ये किया वो लिख कर गए। शताब्दियों तक ये बात चलती रही, किसी ने उसको पढ़ा नहीं, किसी ने जाना नहीं, देख कर लगता था कि हाँ ऐसा हुआ है। लेकिन इससे बड़ा प्रमाण दुनिया में कहीं और नहीं होगा कि जिसने उन मंदिरों को तोड़कर बनाया वो खुद लिख कर गया कि साहब ये 27 हिंदू मंदिर और जैन मंदिर तोड़ के हमने कुतुब मीनार को बनाया। मैं संस्कृति मंत्री था तो मैं गया तो मैंने कहा इसको ट्रांसलेट करके हिंदी और अंग्रेजी में लगा दो, ऐसा ही नहीं लगा दिया। मैं
उन आलोचना करने वालों से जो कुतर्क करते हुए पूछना चाहता हूं कि शताब्दियों से हम उस कलंक को अपनी छाती पर रखे हुए हैं, आपने तोड़ा ये तो ठीक है, लेकिन तोड़ने के बाद आप लिखकर लगाकर गए हैं कि हमने मंदिर तोड़कर ये मीनार बनाई है, ये सच्चाई है। फिर लोगों ने हमारी भी आलोचना की, लेकिन वो आलोचना से हम इसलिए दुखी नहीं थे क्योंकि वो सब सच पता चला लोगों को कि यार ये तो खुद ही लिख कर गए हैं। कायदे से मोदी सरकार के मंत्री को ये कहना चाहिए था कि भाई कुवतुल इस्लाम मस्जिद जो है उसके बारे में दावा किया जाता है, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं इंडिया टीवी भी जो कि सरकार का पसंदीदा चैनल है वो इस पर क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू दिल्ली टूरिज्म वेबसाइट एन इंस्क्रिप्शन ओवर इट्स ईस्टर्न गेट provocatively informs that it was built with material obtained from demolishing 27 Hindu temples. यानि कि कुतुब मीनार के जो पूर्वी दरवाजे पर कुवत उल इस्लाम मस्जिद है उसके बारे में लिखा गया है, कुतुब मीनार के बारे में नहीं लिखा गया है। यानी कि मोदी सरकार के मंत्री ही इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं। अब गौर कीजिए ताजमहल पर, ताजमहल के बारे में भी कहा गया था कि भाई नीचे जो 20-22 कमरे हैं उसमें शिवालय है। ये तो शुक्र है अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि इतिहास पढ़ के आइए, ये तमाम चीजें मत कीजिए, और उन्होंने उस याचिका को ही खारिज कर दिया था। आपके स्क्रीन पर ये हैं भाजपा की सांसद दिया कुमारी, ये दावा ये कर रही हैं कि उनके जो पूर्वज थे उनसे शाहजहां ने जबरन जमीन लेकर उस पर ताजमहल बना लिया, अब वो उस जमीन पर दावा कर रही हैं। माननीय सांसद दिया कुमारी देश की जनता को यह नहीं बता रही हैं कि इनके दो पूर्वज थे, राजा मानसिंह, राजा जयसिंह। राजा मानसिंह वो जो अकबर के सिपह सलार थे, उनके जनरल थे। राजा मानसिंह ने राणा प्रताप सिंह के सामने युद्ध लड़ा और उन पर निशाना साधा। औरंगजेब के सिपा सलार थे सांसद दिया कुमारी के पूर्वज राजा जयसिंह, जिन्होंने शिवाजी पर हमला किया, उन पर दबाव बनाया। तो कहने का अर्थ यह है कि भाजपा की सांसद दिया कुमारी के पूर्वज औरंगजेब, शाहजहां और अकबर के सिपा सलार थे, समझ गए। और ये लोग दावा कर रहे हैं कि ताजमहल जिस जमीन पर बना है वो हमारे पूर्वजों की है। पहले सांसद दिया कुमारी को यह बताना चाहिए था कि आपके जो पूर्वज थे वो अंग्रेजों और मुगलों के साथ क्या कर रहे थे, उनकी सेवा क्यों कर रहे थे। क्योंकि देखिए जब आप इतिहास को खोदेंगे ना तो वहां से कई असहज करने वाली चीजें सामने उभर कर आएंगी, कई ऐसी चीजें सामने उभर कर आएंगी जो आपको पसंद नहीं आएंगी। मसलन अगर आप आरएसएस के इतिहास में जाएं तो आपको पता चलेगा कि इन्हें भारतीय तिरंगे से कितनी नफरत थी। मसलन अगर आप आरएसएस के इतिहास में जाएं तो आपको यह भी पता चलेगा कि ये लोग भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं ले रहे थे। बाकायदा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों को खत लिखा था कि हम इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। इतिहासविद पुरुषोत्तम अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी है। और फिर आप जानते हैं सावरकर, इन्हें वीर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों से एक नहीं दो नहीं कम से कम तीन तीन बार माफी मांगी थी। जब इतिहास खोदोगे तो इस तरह की असहज करने वाली चीजें आएंगी जो तुम्हें पसंद नहीं आने वाली हैं। इसलिए इतिहास को छोड़ दो, वर्तमान में रहो और भविष्य की तरफ देखो। क्योंकि अगर वर्तमान में रहोगे, वर्तमान में देश निर्माण करोगे, तभी हम भविष्य में देश को आगे बढ़ा पाएंगे। वरना मुगलों, राजपूतों, मौर्य, उन तमाम युगों में रह के देश को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हां, इतिहास में झांको, मगर इतिहास में झांककर देश का भला करो, इतिहास की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ो। मुद्दा यह होना चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।